गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। और आज वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना भाई, डेरा से। हाँ जी, सही सुना आपने। और अभी मैं हूँ ऐसे भुवनेश्वर में। एक्चुअली जो जगह मैं बताया ना डेरास, मैं फिलहाल आपको जगह दिखवा लेता हूँ, फिर इस जगह के बारे में मैं आपको सारे के सारे डिटेल्स भी बता दूंगा। और गाइस देख लो, ये रहा उसी जगह जिसका नाम है भाई डेरास। ये भाई देख लो भाई, आपको लगेगा नहीं कि आप भुवनेश्वर में हो, और ना जस्ट भुवनेश्वर में बस थोड़ा सा ही दूर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपनवार लगेगा। भाई देख लो, लग रहा है कि हम लोग भुवनेश्वर के अंदर में है भाई, पहाड़ पानी सब कुछ देख रहे हो ना आप लोग। तो एक्चुअली देख लो, वहाँ पर ना बोटिंग वगैरह भी सब कुछ चल रहा है। मतलब अभी तो लोग नहीं है, बोल के ऐसे लोग बोटिंग कराने के लिए लेके नहीं जाएंगे। फॉरवर्ड की यार कितना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया ही होगा मेरे ख्याल से। बाकी मेरा भी प्लान था बोटिंग करने का, लेकिन बैड लक, आज बोटिंग ही नहीं हो रहा है। ऐसे मैं करवा सकता हूँ, अगर मैं एक बंदा मान लो इस पूरा बोट को बुक कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं करवा सकता हूँ। देख लो गाइस, अभी ना मेरे को उधर जाना है, और मैं अभी मैं शॉर्टकट मार के जा रहा हूँ भाई। ओ भाई, रोड थोड़ा सा ख़राब था, बट कोई नहीं, आ गया भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना भाई, आप थोड़ा सा आओगे ना बारिश के टाइम में, ये भाई हम लोग रहा भुवनेश्वर वालों के लिए ना, ये मिनी लोनावाला बन जाएगा भाई। इधर सो पानी पानी, मज़ा ही मज़ा है भाई। मैं बहुत ही बार आया हूँ, और वहाँ ना भाई आप वहाँ ना भाई ऐसा वहाँ पर ना भाई ऐसा भी है कि आप खाना पीना भी पका के खा सकते हो, वो भी मैं बाहर में आपको दिखवा दूंगा। बट ये जो अंदर में ना, ठीक है, वहाँ आपको ये अलाउड नहीं है, मतलब व्हीकल वगैरह अलाउड नहीं है। बाकी देख लो, अभी हम लोग ये वाला साइड में आ चुके हैं, और यहाँ आने के बाद ना आप लोगों को कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। देख लो भाई, एक्चुअली ये सब जगह ना भाई आप कोशिश करना कि बारिश के वक्त आने के लिए, तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी इस चीज़ का भी ध्यान रखना भाई, मतलब जो पानी में आपको दिखा है ना, जहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रहा है, वहाँ भाई क्रोकोडाइल भी है। बाकी अभी हम लोग कुछ टाइम पहले वो वाला साइड में थे, नीचे में ऐसे होते 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 आ गए इधर में। बाकी देख लो आगे में, देख लो ध्यान से, देख रहे हो ना, उतना पता नहीं चलता है कैमरा में, लेकिन वो वाला आगे में ना आपको लाइक बाइक हो गया, कार हो गया, सब कुछ पार्किंग करने के लिए फैसिलिटीज सब कुछ आगे में मिलेगा। बाकी अभी ऊपर चलते हैं, धूप है भाई, आज तगड़ा वाला धूप है यार। फिलहाल ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके फिर बाकी का बात मैं करता हूँ। बाकी और गैस देख लो, अभी ऊपर आने के बाद ना आपको व्यू कुछ ऐसा मिलेगा। ओ माय गॉड, धूप है ना भाई, तगड़ा वाला धूप है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है सच में गैस। और ये रहा भाई बोटिंग वगैरह का सेक्शन, यहाँ आपको बोटिंग वगैरह करने का मौका मिलेगा। पूरा बोट अगर आप लोग बुक कर रहे हो ना, 1350 मतलब 1350 रुपीस। बाकी कुछ सारे लोग वहाँ जाके फोटोस वगैरह वीडियोस वगैरह भी ले रहे थे, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अंदर जाओ, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना सेफ्टी का मैनेजमेंट कैसा है। बाकी वो सामने में जो रोड गया है ना, ये वाला रोड में भाई ट्रैक करके जाओगे तो गाँव भी आएगा। हालाँकि मैं कभी गया नहीं, लेकिन सुना हूँ, और गाँव है भी, मैंने गया हूँ, और लास्ट तक मैंने गया था, वहाँ पर एक डाक बंगला टाइप का कुछ है अंदर में, वहाँ तक मैंने गया था। आज अगर मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर भाग जाएंगे भाई, बहुत जोर का टायर्ड लग रहा है, क्योंकि धूप है ना, इतना तगड़ा वाला धूप है। सच बोलो तो अभी मेरे को पानी पीने का मन कर रहा है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। थोड़ा सा अगर पानी अभी मिल जाएगा ना, तो फिर भाई सब कुछ पॉसिबल है। फिलहाल ठीक है, कुछ सिनेमेटिक्स मैं ले रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस
देहरास डैम के बारे में बता लेता हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही पुराना डैम है भाई, तकरीबन 20 साल से भी पुराना हो चुका है, 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है वाला डैम। एक्चुअली ये ना मतलब एक जगह है हमारा भुवनेश्वर में चंदौका बोल के, वहाँ पे लाइक वाइल्ड लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके अंदर में ना आपको पिकॉक हो गया या फिर एलिफेंट हो गया ये सब देखने को मिलेगा। मैं आगे में जाकर आपको दिखा भी दूँगा, मतलब जंगल सफारी होता है वहाँ, गाड़ी खड़ा है, आप अगर आ रहे हो अपने फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ तो फिर आप वहाँ मस्ट मतलब बुक करके भी, वो जंगल सफारी का जो गाड़ी है ना उन लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से है, वो गाड़ी बुक करके आप पूरा जंगल सफारी का मज़ा भी ले सकते हो इधर में। बाकी वहाँ रहने के लिए तो ऐसा हम लोग के लिए तो कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आएगा तो उन लोगों को रहने के लिए वहाँ डाक बंगला है। बाकी अंदर में जाओगे ना भाई 20 किलोमीटर के बाद एक गाँव है भाई, वहाँ पर भी मैंने आप सिनेमेटिक्स में दिखे होंगे ना कि एक लड़का को मैंने लिफ्ट में के उनके साइकिल में जा रहा था, वो मेरे को बोला कि भैया हमारा घर यहाँ सर भी 18 किलोमीटर का दूर पे है। बाकी यहाँ आने के लिए आपको पर हेड 40 रुपीज़ करके एंट्री लगेगा, और अगर आप लोग स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट आई कार्ड भी शो कर रहे हो उन लोगों को तो फिर आपको 20 करके लेंगे लोग, बाकी हम लोग जैसे आएंगे तो फिर भाई 40। और भाई कि जंगल सफारी का क्या रेट है तो मेरे को पता नहीं, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोग अगर वहाँ बोटिंग करने के लिए आ रहे हो तो फिर आपको 1350 दे के पूरा बोट को बुक करना पड़ेगा। अगर शेयरिंग में जा रहे हो, शेयरिंग ना वो ज़्यादा सीजन के वक्त चलता है, अभी सीजन नहीं है ना तो फिर शेयरिंग भी उतना नहीं जमेगा। कोई नहीं, आप मस्त आ जाओ, 8 लोग बैठ पाओगे तो फिर आ जाओ भाई फैमिली वालों के साथ, फ्रेंड लोग आ जाओ। फिलहाल हम लोग वहाँ चलते हैं, 5 बजने वाला है क्योंकि ये वाला रोड ना थोड़ा सा ख़राब है और उतना सेफ्टी भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। जंगल सफारी के लिए वाला गाड़ी को बुक कर सकते हो जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था, देख लो भाई यही है वो गाड़ी। गाइस ये जो प्लेस आप देख रहे हो ना, तो गाइस देख लो कितने सारे लोग वहाँ मतलब खाना पीना पका रहा है, पिकनिक कर रहा है। आप भी वहाँ आके पिकनिक कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ या फिर ग्रुप है आप लोग को, मतलब फैमिली ग्रुप हो आप आके कर सकते हो भाई, काफ़ी कमाल का जगह है। तो गाइस देख लो अभी ना देखते देखते पूरा अंधेरा ही हो चुका है और अभी मैं सूप पीने का मन किया ना तो मैंने अभी पी रहा हूँ भाई मटन सूप, काफ़ी कमल का ये मटन सूप होता है भाई यहाँ का। ये देख लो भाई सोम अल्टीमेट हॉस्पिटल है ना, इसी का बिल्कुल सामने में ही है। बाकी सूप पीते हैं, बाकी का बात बाद में करता हूँ। तो ऑल राइट, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने घर आया और अभी टाइमिंग ना रात का लगभग 11 ही बजने वाला है। फिलहाल चलो ये वाला ब्लॉग कहीं पेंट कर लेते हैं। और आज ना ऐसे ही हम लोग गए थे वहीं घूमने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आया हूँ तो फिर एक ब्लॉग ही बना लेता हूँ। अगली बार अगर कभी मैंने वहाँ जाऊँगा ना, अगर बोटिंग वगैरह चल रहा होगा तो पक्का मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ बोटिंग करके दिखाऊंगा आपको। मैंने किया था, अभी एक बार किया था लेकिन वो बहुत ही साल पहले, कम से कम 2.5 साल पहले मैंने किया था। हाँ जी सही सुना आपने, 2.5 साल पहले। फिलहाल ठीक है, ये वाला ब्लॉग को वहीं पेंट करते हैं। और ब्लॉग एंड करने से पहले ना कुछ फुटेज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग वो देख लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।